Suresh Mansharamani. I'm a business coach, trainer, and a motivational speaker. आज का टॉपिक है प्रॉस्पेरिटी. Now प्रॉस्पेरिटी का बहुत कुछ लेना देना हमारे बिलीफ सिस्टम से है. उसके बाद आता है आप किस तरह का बिजनेस करते हैं या किस तरह की जॉब करते हैं. बट उससे पहले जरूरी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें. मैं कई लोगों को कोच करता हूं और मैं देखता हूं कि उनका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा सेट है, कुछ वो ऐसा बचपन उनका गरीबी में दरिद्रता में बीता है कि वो पैसे को लेके अनकंफर्टेबल होते हैं. वो किसी से लोन नहीं मान सकते. वो समझते हैं कि मैं बहुत पैसा कमा नहीं सकता, मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो वो उस तरह की जॉब ढूंढते हैं जो लो पेइंग होती है, उस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं जहां वो कंफर्टेबल महसूस करें. और इस तरीके से वो इन ब्लॉकेजेस के साथ जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में ला नहीं पाते हैं. तो प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे. तो हालांकि मैं भी एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, घर में हमेशा पैसे की कमी रही और पहली जॉब भी मेरी 300 रुपए महीने की थी. लेकिन कहीं कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम में किसी दोस्त की वजह से एक ऐसे विचार आ गए कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है. और मैं जहां काम करता था वहां देखता था कि मेरे बॉसेस ने 3-4 साल में करोड़ों रुपए कमा लिए, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता. तो उस इंस्पिरेशन के साथ मैंने डिसाइड कर लिया, कमिट कर लिया कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं रिच होऊंगा और मैं प्रॉस्पर रहूंगा. तो जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मेरा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता गया और मेरे सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आती गई और आज तक आती रहती हैं. नंबर दो, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जरूरी है कि सेविंग पहले हो और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए. सिर्फ सेविंग का कोई मतलब नहीं है. वो 4-5% में इंश्योरेंस में या सेविंग बैंक अकाउंट में या FD में वो पैसा कभी बढ़ेगा नहीं और वो कभी आपके ऐसे वक्त में काम नहीं आ पाएगा अगर आपने सेविंग नहीं की है, सब कुछ खर्च कर दिया. बहुत सारे लोग जिनको प्रॉस्पेरिटी के लेके बिलीफ सिस्टम वीक होते हैं वो पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं सेविंग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं. इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले एक सेविंग की हैबिट जरूर होनी चाहिए. आप दुनिया के किसी भी अमीर से अमीर आदमी को अगर स्टडी करेंगे तो उनमें पाएंगे कि उनमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बहुत जल्दी जिंदगी में आ जाती है और वो इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में ला पाते हैं. नंबर 3, ऑब्जर्व सक्सेसफुल पीपल. उनके बारे में पढ़ें, उनके वीडियोस देखें यूट्यूब पे और समझने की कोशिश करें कि उनकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं और आप में और उनमें क्या फर्क है, आप उनके जैसा कैसे बन सकते हैं. नंबर 4, जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम वीक होता है मनी को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, उन लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो मदद मांगने में शर्माते हैं. ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में कितने लोग आपकी मदद करना चाहते हैं. इट इज ओके, गो आउट, आस्क फॉर हेल्प. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही करेंगे ना, वैसे कौन सी हाँ है. सो आस्क फॉर हेल्प एंड यू विल सी बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं. आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते को आसान बनाने में वो भी आपकी तरह तत्पर है, आपकी सक्सेस में वो भी इंटरेस्टेड है. नंबर 5, अफर्मेशंस का एक बहुत बड़ा रोल है. मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं अफर्मेशंस में. मैं डेली सुबह अपने गोल्स, अपने इनकम गोल्स, अपने सक्सेस गोल्स और हेल्थ गोल्स सबके बारे में मैं अफर्मेशन जरूर करता हूं. अफर्मेशन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है और मैं काफी कुछ इससे कन्विंस हूं कि अफर्मेशंस का एक बड़ा रोल है सक्सेस अचीव करने में, प्रॉस्पेरिटी अचीव करने में. प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर कुछ तो कुछ ऐसा खर्च जरूर करें, कुछ एग्जॉटिक वेकेशन लें, कुछ बढ़िया कपड़े खरीदें या एक अच्छी गाड़ी खरीदें या अच्छी जगह जाके 5-star होटल में खाना खाएं. इट्स ओके, वंस इन अ व्हाइल सम पार्ट ऑफ योर सेविंग यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन इट, दैट विल गिव यू अ माइंडसेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ऑलवेज कैरी सम मनी इन योर पॉकेट. ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं और जब जेब में पैसे नहीं होते हैं ना तो कुछ मूड भी अच्छा नहीं रहता है. बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पैसे को जेब में रखें, कंफर्टेबल रहें, खर्च करें या ना करें ये दूसरी बात है, पर पैसा जेब में होना बहुत जरूरी है, पैसा बैंक में होना बहुत जरूरी है. नींद भी अच्छी रहती है, मन भी खुश रहता है. और ये इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग इस तरह का बिलीफ सिस्टम रखते हैं कि अगर मैं पैसे जेब में रखूंगा तो खर्च हो जाएंगे.
इस तरीके का बिलीफ सिस्टम में रखिए, जेब में पैसे रखिए और पैसे के साथ कंफर्टेबल होइए। खर्च करें, आपका मन हो तो करें, ना मन हो तो ना करें, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहे। दूसरी चीज, प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे जरूरी चीज है ब्लेमिंग को अपने सिस्टम पर करना। कभी भी गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, मौसम को, लॉ को, एनवायरमेंट को, पड़ोसियों को, पेरेंट्स को कभी ब्लेम ना करें। वंस यू गो इनटू दैट ब्लेमिंग मेंटालिटी, देन प्रॉस्पेरिटी और आपसे दूर चली जाती है। आपकी क्रिएटिविटी वहीं पर ही काम होने लग जाती है, बिकॉज यू गो इनटू द ब्लेमिंग मोड और आप कभी भी अपने सक्सेस के लिए एक्शन पॉइंट्स पर काम नहीं कर पाते। हर टाइम आप सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, इस वजह से नहीं हुआ या उस वजह से नहीं हुआ, या मेरी एजुकेशन नहीं थी, मेरी उम्र नहीं है, मैं पड़ोस में नहीं रहता हूँ, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। अवॉइड ऑल दिस नेगेटिव। एंड में मैं कहना चाहूंगा, पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज एंड इट्स क्यूरेबल। इट रिक्वायर्स करेज, इट रिक्वायर्स एंथुसियाज्म, इट रिक्वायर्स एक्शन, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, यू विल बी प्रॉस्पर थ्रू आउट योर लाइफ। एंड इफ यू गिव अप, you are in trouble. So I wish you all the prosperity in your life. I am your coach, your friend, Suresh Mansharamani. Wish you all the best in life.